रिद्धिमान साहब विवाद पर आज बीसीसीआई बड़ा एक्शन ले सकता है। आपको बता दें कि एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने रिद्धिमान साहब को इंटरव्यू देने के लिए धमकाया था कि अगर आप इंटरव्यू नहीं देंगे तो फिर ये अच्छा नहीं होगा। एक तरीके से आपने देखा ही होगा कि किस तरीके की बातें कही गई थी उस चैट में, और इनडायरेक्टली आप कहेंगे तो रिद्धिमान साहब को उस स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने धमकाया था। लेकिन आपको बता दें कि अब जो है वो बीसीसीआई आज एक बड़ा एक्शन लेने वाली है, और एक्शन के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ये जो सेक्रेटरी हैं जय शाह, वो आज रिद्धिमान शाह से बातचीत करेंगे और रिद्धिमान शाह से जानने की कोशिश करेंगे। उनको कहेंगे कि आप प्लीज नाम बताइए उस जर्नलिस्ट का, और आज हो सकता है कि उस जर्नलिस्ट का जो नाम है वो खुलासा कर दिया जाए जिसने रिद्धिमान शाह को एक तरीके से कहेंगे कि धमकी दिया था कि आप अगर हमें इंटरव्यू नहीं देंगे तो ठीक नहीं होगा, और अगर आप इंटरव्यू देंगे तो शायद मैं आपकी मदद कर सकता हूं। तो इस तरीके का लैंग्वेज था वो, क्या था आपने चैट पढ़ लिया होगा। लेकिन अब एक्शन जो है वो पूरी तरीके से बीसीसीआई लेने के लिए तैयार है, और ये भी माना जा रहा है कि अगर पूरे के पूरे इस इन्वेस्टिगेशन में अगर वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट गलत पाया गया, अगर लगा कि उन्होंने गलती की है, तो हो सकता है कि लाइफ टाइम के लिए उनका एक्रेडिटेशन जो है वो बैन कर दिया जाए, यानी कि बीसीसीआई उन्हें ब्लैक लिस्ट कर देगी और हो सकता है कि फ्यूचर के मैचेस में उनको कवर करने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन आज हो सकता है बड़ा दिन हो रिद्धिमान साहा विवाद मामले में, क्योंकि आज जो है वो जय शाह बात करेंगे रिद्धिमान साहा से और उनसे पूछेंगे कि उस जर्नलिस्ट का क्या नाम है, और ऐसे में आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। इस मामले में जो भी अपडेट आएगी, किसका नाम आएगा, कौन जर्नलिस्ट है जिन्होंने रिद्धिमान साहा को इस तरीके की धमकी दी है, वो तमाम इंफॉर्मेशन आपको स्पोर्ट्स टॉक पर देंगे। लेकिन साथ ही साथ बता दें कि आज ही हो सकता है कि आपको नाम का खुलासा हो जाए, क्योंकि रिद्धिमान साहा से आज जय शाह जो है वो बातचीत करेंगे। बीसीसीआई प्रेसिडेंट अभी अवेलेबल नहीं है, वो इंग्लैंड गए हैं, कल ही निकल गए थे लंदन अपने पर्सनल कुछ काम से, लेकिन जय शाह सेक्रेटरी वो मौजूद है और रिद्धिमान साहा से बातचीत करेंगे। और इस तरीके से खिलाड़ी को धमकाना बिल्कुल गलत बात है, और उम्मीद करेंगे कि इस पर जल्द से जल्द फैसला जो है वो बीसीसीआई कर देगी।